घंटे से बैठे सवारी की थी यार, एक भी सवारी मिल रहा, क्या करें, हम कहाँ जाएं, भूखे रह जाएंगे, क्या खाएंगे हम लोग, माने चलाते तो खाते नहीं तो भूखा रहते, अब पड़े हम दिक्कत है तो हमको पेट कैसे डर है, पेट रहेगा तो भरा रहेगा तब ना डर करेगा। विकलांग हो के नहीं कमाएंगे तो बाबूजी क्या खाएंगे, इस बार तो खाना पीना भी देता था, इस बार तो कुछ दे ही नहीं रहा, तो क्या करे, कमाऊंगा नहीं दो पैसा तो खाऊंगा बाबूजी क्या खाऊंगा। नहीं चलाएंगे सर तो ये पेट का सवाल है ना, लॉकडाउन किया है सरकार तो सब कुछ का साधन होना चाहिए क्या, गाड़ी पकड़ने के लिए लहरिया जाने के लिए नहीं चला होता, पैर डैमेज है। नमस्कार, आज हम आपको मधुबनी रेलवे स्टेशन से दिखाना चाहते हैं कि नज़ारा क्या है, यहाँ रिक्शा वाले से भी पूछते हैं कि क्या स्थिति है, साथ में वैसे लोग भी भटक रहे हैं जिनको सवारी नहीं मिल रही है दूरदराज की, तो वैसे लोग भी यहाँ है। कहाँ घर है? नागपुर। तो रिक्शा निकाले हैं तो क्या पैसेंजर मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा सर। नहीं मिल रहा सर। नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को इस बार राशन मिल रहा है कि नहीं, जो पिछले साल मिला था वो राशन मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है सर। फ्री में मिल रहा है या पैसा दे करके? सर तो ये परेशानी है, देख रहे हैं कुछ ऐसे भी हैं जो बिना जरूरत के घर से बाहर निकले हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम। क्या नाम है आपका? तो देख रहे हैं कि पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आइए हम ऑटो वाले से पूछते हैं, क्या नाम है भैया? श्री महेश। घर कहाँ है? घर है मधुबनी। अभी जो निकले हैं ये क्या कारण है आपका? नहीं चलाएंगे सर तो ये पेट का सवाल है ना, भूखे मर जाएंगे। तो सरकार के द्वारा व्यवस्था नहीं किया गया है? कहाँ कुछ किया है, कुछ नहीं दिया है। पिछले साल तो खूब किया गया था तो इस बार तो होना चाहिए ना? किया है, अभी इस साल कुछ नहीं आ रहा है, इस साल भी होना चाहिए ना, लॉकडाउन किया है सरकार तो सब कुछ का साधन होना चाहिए। क्या नाम है? सुमित नाम है। घर से बाहर क्यों निकले हो? अंडा लेने आए थे, बंद है दुकान। अंडा लेने का समय था ना निर्धारित? हाँ। तो क्यों निकले हो बाहर से घर से? देखे था आदमी चला गया। डर नहीं लग रहा है कोरोना से? लगता है। तो लगता है तो घर से बाहर क्यों निकल रहे हो? जा रहे हैं घर, जा रहे हैं। जा भागो। जा रहे हैं दवा लाने के लिए। पर्ची है? पर्ची तो नहीं है, गैस उस हो गया है, इसी के लिए हम जा रहे हैं दवा लाने के लिए डॉक्टर के पास। जरूरी वाली काम है तो निश्चित रूप से निकलना चाहिए, लेकिन गैर जरूरी काम से जो बाहर निकल रहे हैं उनके लिए मेरा एक संदेश है कि आप घर में रहिए, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके माध्यम से आप एक करियर हो सकते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद अनवर। कहाँ है? यहाँ पे है। गाड़ी पकड़ने के लिए लहरियागंज जाने के लिए। लहरियागंज जाने के लिए? हाँ। लहरियागंज से बगले में पैदलो जा सकते हो? नहीं चला होता, पैर डैमेज है। पैर डैमेज है? हाँ। तो गाड़ी नहीं मिल रही क्या? नहीं मिल रहा है। यहाँ तो गाड़ी लगा के खड़े हैं। तो गाड़ी वाला भाड़ा ज्यादा ना कहता है? गाड़ी वाला भाड़ा ज्यादा कहता है, ये तो समस्या आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग है, चाहेंगे कि गाड़ी वाला भी आपको सहयोग करे। क्या नाम है? क्यों ऐसे पड़े हुए हैं? राजिंदर सर है ना, और 2 घंटे से बैठे सवारी की थी यार, एक भी सवारी नहीं मिल रहा, क्या करें हम, कहाँ जाएं? तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं कीजिएगा 10 दिन तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, फिर भूखे रह जाएंगे, क्या खाएंगे हम लोग, माने चलाते तो खाते नहीं तो भूखा रहते, अब पड़े हुए। ये वाकई में इनका जो कहना है, इनका जो दलील है वाकई में जायज है, ऐसे में इन लोगों का जो काम छिन गया है तो ऐसे में परेशानी इन लोगों की बढ़ गई है। लेकिन आप लोगों को तो पिछले साल दिया गया था राशन पानी सरकार के माध्यम से, इस बार नहीं दिया जा रहा है क्या? कहाँ दिया है, इस के बाद देवे नहीं क्या? पिछला बार तो दिया था, पहले अनाज सब दे रहा था, 40 किलो अनाज मिला है, मगर इस बार जो लॉकडाउन हुआ एक भी नहीं मिला है। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से, बोलिए सरकार क्या देगा, तभी ना हम लोग माने अपना काम धाम बंद करेंगे, नहीं तो इसी चलते गुड़ कहते रहते हैं हम लोग। डर नहीं लग रहा है कि कोरोना का जो रूप है इस बार बहुत ही खतरनाक है? दिक्कत है तो हमको पेट कैसे डर है, पेट रहेगा तो भरा रहेगा तब ना नहीं डर करेगा, पेट में माने भूखा रहते हम लोग, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे, नहीं कमाएंगे। लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, जैसे भाई साहब को बार बार कहते हैं तो हमारे पीछे पीछे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, जैसे लगता है कि हमको नोट रहे हैं। आप सब कोई वैसे घूम रहा है, हम लोग खाएंगे पियेंगे तभी ना हमको माने घर पर रहेंगे। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो यूं ही घूम रहा है या उसको कोई काम नहीं है और सड़क पे आके एंजॉय करने के लिए आए हैं? कुछ आदमी वैसे घूम रहा है, कुछ आदमी अपना रोजी रोटी में लगे हुए हैं, क्या करेगा लॉकडाउन में। हाल ये है कि जो कमाना चाहते हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, जिनको काम नहीं मिल रहा है वो भूख के कारण हो या अपने परिवार की चिंता सता रहा हो, ऐसी दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों का निश्चित रूप से इस पैंडेमिक में
हाल खास्ता है, बहुत ही खराब है। तो क्या पता बाबूजी, मैं तो रोड पे गुजर कर रहा हूँ बाबूजी, जब से मेरा माँ पापा मर गए तब से। अब कोई हमारा कोई चौरे नहीं रहने का, ना घर है, तो मैं कहाँ रहूँ सर, आप ही बताइए। कौन सुनेगा इनका बात। यदि ये रिक्शा नहीं खींचेंगे, काम नहीं करेंगे, तो इनके परिवार को भरण पोषण है वो कैसे हो पाएगा, ये बात इनको जरूर सता रहा है। तो जो भी इस बार के सरकार है, चाहे बिहार में है या सेंट्रल में है, आप इनकी बातों को जरूर सुनिए। इनकी बातों को सुनने वाले आप ही हैं, अदरवाइज कोई नहीं है। साथ में यदि आप सामाजिक संगठन है, यदि चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कुछ सहायता की जाए, तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो हम आपको मधुबनी से सीधा लाइव दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ करके इस लाइव को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हम आपको तमाम वो पहलुओं को दिखाने का प्रयास करेंगे। यदि गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाता है, चाहे व्यापारी के द्वारा या लोगों के द्वारा, तो हम उसको भी दिखाएंगे। साथ ही प्रशासन के द्वारा यदि कुछ ऐसी वैसी काम होती है, तो उसको भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ इसी प्रकार आप लोग जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।